अभी तो छठ आने वाला है। छठ कहाँ से चालू हुआ था? आपके यहाँ का छठ बहुत जबरदस्त होता है, वहीं से शुरू कर दिया गया था छठी भाई। बिहार में दिवाली फीका पड़ जाता है छठ के आगे। बिहार में एक एक त्यौहार है छठ, कोई कुछ भी काम करे छठ में अपने घर आएगा। हाल ये हो जाता है छठ में, बिहार वाला औरंगाबाद, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ एक जगह है देव, औरंगाबाद में नहीं दिखेगा जगह, छोटा सा जगह है देव, बहुत बड़ा शहर नहीं है। एक तो औरंगाबाद ही बहुत बड़ा शहर नहीं है, उसमें तुम लोग देव खोजने चल जा रहे हैं। यहाँ पे औरंगाबाद में एक जगह है देव, जहाँ पे सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। और छठ कहाँ से चालू हुआ था? वहीं से ना चालू किया जाता। अभी तो छठ आने वाला है, देव का जाके औरंगाबाद का छठ देखो, ऊंचा आ जाओगे, इतना भीड़ रहता है बहुत। आप में जो औरंगाबाद के होंगे, हैं लोग की औरंगाबाद वाले हो ना ऑफलाइन में, देव के कौन है? देव औरंगाबाद में, देव तुम देव का ही हो। देखो एकदम परफेक्ट, एकदम जगह का लोकेशन है एकदम। आपके यहाँ का छठ बहुत जबरदस्त होता है, वहीं से शुरू कर दिया गया था छठी भाई। बाकी जो बिहार के बाहर वाले ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आप लोग को उतना छठ के बारे में आइडिया नहीं है। बिहार में दिवाली फीका पड़ जाता है छठ के आगे। बिहार में एक एक त्यौहार है छठ, कोई कुछ भी काम करे छठ में अपने घर आएगा। दिवाली में आए जरूरी नहीं है कि दिवाली में आएगा यहाँ पे, लेकिन छठ में आएगा। और हाल ये हो जाता है छठ में कि जहाँ बिहार के एम्प्लॉई हैं, छठ में कोई काम करने वाला नहीं मिलता है। अब जैसे हमारे लोग की कोचिंग है पटना में, तो यहाँ हम किसी को छठ के लिए नहीं रोक सकते हैं। वो कहेगा ना 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 सर, छठ में तो हम घर जाइबे करेंगे। तो हम लोग को ना बहुत बार ना जो इस तरह से रखना पड़ता है एम्प्लॉई को कि हर डिपार्टमेंट, जैसे ऑपरेटिंग है, कंप्यूटर वाला है, टाइपिंग वाला है, तो कुछ बिहार के बाहर का हो जो एटलीस्ट छठ के टाइम पे काम तो कर सके। कुछ मुस्लिम इंप्लॉय को रोक सकते हैं। अब मुस्लिम को हम कहेंगे तो ईद में रुक जा, रुकेगा नहीं। तो मिक्स करके रखना पड़ता है और सबको पहले से बोलना पड़ता है, देख भाई छठ में कौन कौन रुकेगा, क्योंकि काम तो नहीं ना रुक सकता है, वर्क तो कभी नहीं रुकेगा। देव का, देव में कौन मंदिर है? सूर्य मंदिर। और छठ में तो सूर्य को ही अर्घ वगैरह दिया जाता है। और तुम लोग छठ वगैरह आ रहा है, माता जी तुम लोग इतना कष्ट करेंगी, और तुम सब यहाँ लड़का और लड़की आते हो, ईमानदारी से अगर एक साल पढ़ लोगे ना तो खाली हाथ नहीं लौटोगे, बाकी तुम दुनिया को बेवकूफ बना देना। हम सब जानते हैं तुम लोग कितना पढ़ते हो। एक साल अपने आप से पूछो ना, एक साल जितना पढ़ना चाहिए ईमानदारी से पढ़ दोगे ना, तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता। तुम लोग जिस दिन क्लास नहीं रहेगा उस दिन 10 बजे सूत के उठेगा, काहे बहुत मेहनत कर दिए थे। ये बड़े बड़े लोग करते हैं जो लाइफ में सेटल्ड हैं, जैसे इलोन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गए, टाटा, ये हर हफ्ता काम करते हैं लोग, एकदम बिजी रहते हैं लोग, खाने को फुर्सत नहीं रहता है। हर एक दिन कंप्लीट रेस्ट लेते हैं, उसी दिन बढ़िया खाएगा लोग, घूमेगा फिरेगा यहाँ पर, क्योंकि बाकी दिन उन लोग परेशान परेशान रहते हैं। और तुम लोग जो कुछ भी नहीं करता वो भी संडे को रेस्ट करता है गधा।